हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक वीड है तो उसका सस्पेंशन में से आवाज़ आ रही है, तो उसका सस्पेंशन बनाने वाला है। ओवरऑल किस तरह से किया जाता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। तो सस्पेंशन में से नॉइज़ आ रहा है तो आप देख सकते हैं इसका यह शॉक से हमने निकाल दिया है। किस तरह से निकाला मैं आपको बताता हूँ, पर आप देख सकते हैं इसका ऑयल है वो सारा का सारा ब्लीडिंग हो गया है और यह शॉक ख़राब हो गया है, तो उसे हम रिप्लेस करेंगे। तो किस तरह से किया जाता है वो दिखाता हूँ। तो इसे निकाला गया दोस्तों, यहाँ पे दो बोल्ट रहते हैं और दो बोल्ट यहाँ पर रहते हैं जिसके अंदर दोनों साइड एक एक, तो उसे रिमूव करने पर यह शॉक से वो इजीली बाहर आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हो लोअर आर्म के बुशिंग है वो ख़राब हो चुके हैं, उसे बदलेंगे, चेंज करने वाले, या टायरोडाइन बोल्ट जॉइंट है उसे चेंज करने वाला है। तो इसके अंदर सस्पेंशन में इतना ही रहता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बिठाते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका न्यू टायर रॉड है, ये इसका सॉक्स है। तो इसको क्या है कि यह इसकी स्प्रिंग है उसे हम पुरानी यूज़ करने वाले हैं और इसका जो है किट है उसे हम रिप्लेस करेंगे। तो मैं इसकी किट आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी किट रहती है दोस्तों, तो उसे हम इंस्टॉल करेंगे। मेरे ऊपर के माउंट है दोस्तों, तो इस माउंट को भी हमें इस सॉक्स के अंदर इंस्टॉल करना होगा, वो हम आगे करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं लो आर्म है, दोनों साइड हमें यही प्रोसेस करनी रहती है। निकल नहीं रहा है तो इसे हमें काट के लेना होगा दोस्तों। इस तरह से हमें इसकी मदद से स्प्रिंग को पहले प्रेस करना होगा, प्रेस करने के बाद हमें ऊपर से बोल्ट है उसे खोल पाएंगे। दोनों साइड से हमें धीरे धीरे करते स्प्रिंग को प्रेस करते जाना है। दोस्तों इस तरह से स्प्रिंग अंदर फ्री हो जाए तब तक इसे खोलना है, बाद में क्या करना है हमें इस बोल्ट को निकाल देना है। दोस्तों इस तरह से अगर ना खोले तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक पान से पकड़ा के रखना है और इसे ओपन करना होगा। दोस्तों इस तरह से इसे होल्ड करके इसे घुमा के हम इसे खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट ना खोले तो इस तरह से इसे ओपन करना होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका न्यू शॉक से, तो इसे लॉक को पहले हम निकाल देंगे। दोस्तों इस लॉक को निकाल देंगे, बाद में अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसकी नई किट है उसे इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों ये इसके न्यू किट है तो इसे हम अंदर बिठाने वाले हैं अभी। तो दोस्तों सबसे पहले इसे बिठा देना होता है हमें, इसे अंदर डाल देने के बाद हमें क्या करना है, इस रबर को भी डाल देना है, रबर पूरा। दोस्तों इसे डाल देने के बाद हमें स्प्रिंग को उसकी पोजीशन पे बिठा देना है, ऊपर उसके बाद दोस्तों इस बेयरिंग को हमें ऊपर बिठा देना है, इसके ऊपर इसका माउंट है उसे इंस्टॉल किया जाएगा। तो देख सकते इसे इस तरह से लगा देना है और बाद में ऊपर इसका बोल्ट है उसे लगा देना है। तो सब फिटिंग हो जाने के बाद हमें क्या करना है, इसे वापस से निकाल देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं सॉक्स कंप्लीट हो चुका है, इसी प्रोसेस को हमें दूसरे सॉक्स पे करना होता है। कंप्लीट हो गया है तो इसे हम क्या करेंगे, अब उसकी जगह पे बिठा देने वाले हैं। इसे नीचे से डाल के ऊपर से इसके दो बोल्ट है उसे सिंपली हमें टाइट कर देना होता है। दोस्तों इस तरह से सॉक्स तो जगह पर बिठा दिया, अब हमें लोअर आर्म को निकालना है। आप देख सकते यहाँ पर बोल्ट है, यहाँ पर और यहाँ पर जो बोल्ट है उसे हमें निकाल के लेना होगा, बाद में हम इस लोअर आर्म को बाहर निकाल सकते हैं। देखते हमने इसका लोअर आर्म निकाल दिया है तो अब इसकी जगह पर हम न्यू लोअर आर्म है उसे इंस्टॉल कर देने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसका न्यू लोअर आर्म है तो उसे उसकी जगह पे पहले यहाँ पे बिठा देना है दोनों साइड पे, बाद में हम यहाँ नीचे से उसे लगाएंगे। दोस्तों इसका लोअर आर्म चेंज हो गया है, इसका सॉक्स चेंज हो गया,
अब बारी है इसके टायर रॉड और बॉल जॉइंट की, तो उसे हम किस तरह से चेंज करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इसका टायर रॉड एंड बॉल खोलने के लिए हम आप देख सकते हैं इस तरह से एक स्पेशल टूल का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम इसे इजीली खोल पाते हैं। इसको अंदर लगा के इस तरह से लॉक कर देगा, बाद में इसे राइचर से घुमाने पर यह इजीली खुल जाता है। तो इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे। सकते हमने उससे निकाल दिया पुराने टायर रॉड को, अब नया डाल दिया है। अब उसी टूल की मदद से इसे वापस से टाइट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका बॉल जॉइंट एंड है, तो इसे भी हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो क्या ये इसको यहाँ पे लगा देना है, इसे इस तरह से घुमाते हैं अंदर चले। आपको क्या करना है, हो सके उतना है इसे पुराना जो टायर रॉड एंड बॉल जॉइंट रहता है उतना ही अंदर डाल दे, ताकि क्या हो कि अलाइनमेंट करना है ईजी रहे और ज़्यादा घुमाना ना पड़े अलाइनमेंट के टाइम पर, इसलिए उसे पहले से ही सेट करके रखे। यहाँ से कंप्लीट हो जाने के बाद अभी इसे लूज रहने देंगे दोस्तों, टाइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें अलाइनमेंट करना होता है इसका, तो वापस से खोलना पड़ेगा। तो अब इसे क्या यहाँ पे लगा देना है, तो दोस्तों इसे यहाँ पे इस तरह से लगा के इसे टाइट करना देना है, और बाद में हमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, इसका सॉक्स हो गया, लोअर आर्म हो गया, टायर रॉड एंड बॉल जॉइंट हो गया। तो आगे के व्हील में और कुछ आता नहीं है। इसके अलावा दोस्तों इसके बेयरिंग आते हैं, पर वो तो नॉइस आने पर ही चेंज करना होता है, तो वो भी कंप्लीट है। और आप इसके ब्रेक पैड को देख सकते हैं, ये भी अभी नया ही है, तो इसे भी चेंज करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो इतना चीज़ें चेंज करने से एक गाड़ी का सस्पेंशन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इस कार को ये बोल्ट टाइट करके इसे अलाइनमेंट कर देना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने इसमें रिप्लेस की है। तो इसके अंदर सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं, इसके सॉक्स रहते हैं, लोअर आर्म रहते हैं, पर सॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं दो माउंट हमें चेंज करने होते हैं, स्प्रिंग वही यूज़ होती है, बाकी ये सारे बुशिंग है वो रिप्लेस हो जाते हैं। इसका टायर रॉड और बॉल जॉइंट भी हमें रिप्लेस करना होता है, ख़राब हो गया था और इससे का बोल्ट खुल नहीं रहा था, तो इसे हमने काट के निकाला। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमें होती है उसे रिप्लेस करना होता है क्विड के अंदर। तो हमने इसका सस्पेंशन कर दिया, तो आप व्हील की पोजीशन देख सकते हैं। तो इस व्हील की पोजीशन को हमें अलाइनमेंट करके सेट करना होगा। तो अभी हमने अलाइनमेंट पे कार को लगा दिया है, तो अब इसके सेंसर लगेंगे और इसके प्रोसेसर है उसे हम इसका अलाइनमेंट है उसे कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं रेनॉल्ट क्विड है, तो उसका हमें अलाइनमेंट करना है, क्विड को चूज़ कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो कंपनी डेटा रहता है वो हमें शो करता है कि इस तरह का इसका अलाइनमेंट रहेगा। अब देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से इसका सेंसर है उसे लगा देना होता है, और ये गाड़ी के पीछे लग गए तो बाद में आगे लेंगे तो यह स्टेप कंप्लीट हो गया। देख सकते जैसे कार को हम पीछे चलाते हैं तो ये एरो भी आगे चलता जाता है। बाद में दोस्तों कह रहे कार को आगे लेना है, तो आगे यहाँ पे हमें स्टॉप कर देना होता है। इस तरह से सब पॉइंट पे इसे सेट करना है पहले, तो जहाँ पे स्टॉप लिखा आ जाए वहाँ पे रुक जाना होता है। अब इसे सेंटर में लेना होगा। स्टॉप लिख के आ गया, वहाँ पे रुक जाना है। दोस्तों यहाँ पे ये डेटा है वो शो कर रहा है, इसके ये सारे चीज़ें कैस्टर कैम्बर वो सब तो फिक्स रहते हैं। इसका टो इन व टो आउट आप देख सकते हैं कितना आउट है, उसे हमें सेट करना होगा। उसी के साथ हमें इसका स्टेयरिंग है उसे भी लॉक कर देना है, और इसकी हैंड ब्रेक को भी लगा देना है ताकि गाड़ी आगे पीछे मूव ना करें। दोस्तों इस बोल्ट को लूज करके रहना होता है, हमने पहले इसे लूज रखा है अलाइनमेंट के लिए, बाद में इसे घुमाएंगे तो इसका टो है वो सेट होता जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसका टो है उसे सेट कर दिया है। अब हमने आपको व्हील की पोजीशन दिखाता हूँ इसकी। दोस्तों अब आप देखेंगे तो दोनों व्हील है वो सेम डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे, तो यही होता है दोस्तों अलाइनमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टो है उसे भी हमने कम्प्लीटली सेट कर दिया है।